आपका खबर तालिका का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और विकास रोहिला जी, आप जो ये काम कर रहे हैं, मैं पत्रकारिता के साथ साथ आपको सेवा का कार्य मानता हूँ। इसको आज जो है देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी के नेतृत्व में है, और यह भगवान ने भारत का सौभाग्य दिया है कि ऐसे यशस्वी लोग सत्ता के नेतृत्व में आए। अभी आपने देखा कि धारा 370 टूटी, और धारा 370 टूटने के अंदर 70 साल लगे, और देश का सौभाग्य यह धारा 370 टूटने में 370 ही सांसदों ने इसके पक्ष में वोट दिया, और 70 साल के बाद में 70 ही सांसद इसके विरोध में गए। परंतु आज देश को ये पहचान हो गई कि भाई देश के लिए सेवा करने वाले कौन लोग हैं, और देश के लिए देश को तोड़ने वाले कौन लोग हैं, और जनता ने भी ये पहचान कर ली है, और उन्हीं लोगों को आगे जनता आगे लाने जा रही है, जो लोग देश सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए अपने आप में संकल्पित हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और आपको इसी के साथ साथ अभी 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त पे भारत आज़ाद हुआ था, बेशक अधूरी आज़ादी मिली हो, भारत का एक अंग पाकिस्तान के रूप में, एक बांग्लादेश के रूप में बना, परंतु पुनः अखंड भारत बनेगा भारत। और इस स्वतंत्रता दिवस की तहलका को, पूरे सफेदों की हलके को और पूरे हिंदुस्तान को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, और भगवान से यही प्रार्थना कि इस देश में सुख शांति हो और देश आगे बढ़ता जाए, पुनः विश्व गुरु बने।